आलू दम मसाला कम भौदी नाचे खावा छम आज ही है बने आलू दम मसाला कम भौजी नाचे छमा अरे बाप रे। नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आलू की खुदाई हो रही है खेत में, तो चलिए आप लोग, हम भी चलेंगे खेत में, तो आप लोग भी चलिए। तो आलू के खेत में हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इस तरफ देखिए आलू खुदा रही है और कई गुरा लगा हुआ है, सुबह से ढो रहे हैं सब लोग, और इस तरफ भी नहीं खोदा गया है। तो आलू दोस्तों एकदम सूख जाता है जमीन, तभी खोदा जाता है, तो बहुत ही चिकनी चिकनी बहुत ही अच्छा आलू निकलता है, आलू ख़राब भी नहीं होता। देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा आलू निकला हुआ है, नमी बिल्कुल नहीं है ज़मीन में। तो ऐसे दोस्तों देखिए ढेर सारा बहुत बड़ा सा खेत था, इसी में खोद खोद कर बीन बीन कर एक जगह पर रखते हैं, उसके बाद बोरी में भर के ले जाते हैं घर पर। तो चलिए एक कुला आप लोग को खन कर दिखाते हैं कैसी आलू पड़ी हुई है। तो खनते जाएंगे दोस्तों, आलू को बीनते जाएंगे, क्योंकि माटी में यहाँ खो जाता है। तो इस समय आलू की खुदाई हो रही है, तो ढेर सारा आलू का रेसिपी दोस्तों बनता है दोपहर में, क्योंकि खनते समय आलू ढेर सारा कट जाता है, तो आलू बहुत जल्द ख़त्म करना होता है, नहीं तो सड़ने लगता है। तो आलू खनते समय साइड से मारा जाता है, इसे बीच में नहीं गोड़ा जाता दोस्तों, बगल से मारा जाता है, और जैसे आलू एक भी कटे ना। तो चलिए हम आलू भर लेते हैं अपने डिलेई में, तो थोड़ा सा दोस्तों लेकर चलेंगे हम घर पे और आप लोगों को रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा, बहुत ही अच्छा दोस्तों इस समय ताज़ी आलू है तो बहुत ही अच्छा रेसिपी बनता है, कोई भी रेसिपी अगर बनाओ तो। तो चलिए हम चलेंगे और रेसिपी बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो आलू को अच्छे से हमने धो लिया है, अब चलिए हम ये भगोने में लेव को लगाएंगे। तो मिट्टी का लेव हम लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम चूल्हे में आग को जलाते हैं, बनाते हैं दोपहर का नाश्ता। तो चूल्हे में हमने आग को जला लिया है, अब इस भगोने हम आलू को रखेंगे उबालने के लिए। तो आग को हमने अच्छे से जला लिया है और देखिए अच्छे से हमने आलू भर दिया है, तो इसमें हम उबलने के लिए डाल देते हैं एक गिलास पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अच्छे से उबल जाएगा, हमारा आलू थोड़ा सा मोटा मोटा है। तो चलिए इसे हम तेज आंच पे उबलने देते हैं। तो बच्चे लोग आ गए हैं पढ़कर, मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, खा कर जाओ भाई। तो हरा मसाला से दोस्तों हम बनाएंगे आलू दम। तो मिर्चा अदरक और लहसुन धनिया को हम छोटे छोटे काट कर पीसेंगे। तो थोड़ा सा हम धनिया को काट कर रखेंगे ऊपर से डालने के लिए। तो एकदम महीन मसाला हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो हरे मसाले को हमने पीस लिया है, तो कटोरे में उठा लेते हैं। तो आलू हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है, तो ढक्कन हटाकर हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी अच्छे से नहीं पका हुआ है, बहुत टाइट चक्कू घुस रहा है, तो थोड़ा सा इसे हम 5 मिनट और उबलने देते हैं, जितना अच्छा उबला रहेगा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आलू हमारा पक गया है, चलिए आप लोग पास से दिखा देते हैं, जिसमें दोस्तों चक्कू भुकाने जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे फाट गया है आलू, पकने के बाद अच्छे से फाट जाता है, समझ लीजिए बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इसे उतार लेते हैं, तो बड़ी सी थाली में पलट देते हैं, ठंडा होगा ये। तो यहाँ पे हमने ठंडा पानी लिया हुआ है, इसे हम आलू को छिलके उतार लेंगे क्योंकि आलू भी गर्म है। अरे यार इतना जरता ही बात, तब न कोले लागत है तू, तब ठंडा दे, ठंडा कैसे दे, पानी में बोल के तब मोहवा से भूखा मत भाई, टका करी मोहवा से धुआं निकाली, मोहवा से धुआं निकाला, लुइया में से धुआं निकला था, हला ठंडा करे है। चल मोहवा से धुआं निकाल ले था का तू कैसे इकने चलना कोला था भाई, का बने आलू दम, तब गाना गा के बताओ। अरे गाना गा के बताओ, मसाला कम भौजी ना में चला जाम,
उगावा? आलू दम। आलू दम भौजी ना दे टमाटर बस ये यार आलू दम मसाला का मजे दे टमाटर आलू दम भौजी छे फिर से कहा भाई आलू दम मसाला का भौजी ना दे टमाटर आज ही है बने आलू दम मसाला कम भौजी ना दे टमाटर आलू दम मसाला कम भौजी ना दे टमाटर तो आलू के छिलके हम उतार लिए हैं अब तो चलिए इसे हम चाकू से काटते हैं तो आलू दम दोस्तों थोड़ा सा बड़ा बड़ा हम फारी बनाएंगे तो चलिए इसे ही काट लेते हैं चाकू से अरे यार कमाई नाचे कमाई की दादा तो चूल्हे पे हमने रख दिया है कढ़ाई है कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई तो इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल तो अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा जीरा चटक जाएगा और उसमें हम डाल देते हैं ये बड़ी दोनों तोड़ कर डालेंगे थोड़ा सा तीखा रहेगा आलू दम तभी अच्छा लगेगा तो तड़का हमारा अच्छे से पक चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं हरा मसाला अरे बाप रे कढ़ाई हमारी बहुत ज़्यादा गर्म थी दोस्तों ये देखिए थोड़ा सा जल गया है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे आग के लगा लगा था तो कढ़ाई में रे अरे यार तो इसमें अब हम डाल देते हैं हल्दी हल्दी डालने के बाद इसे हम अच्छे से पकाते हैं तो इस तरफ दोस्तों हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और इसलिए जल रहा है इस तरफ करेंगे तो जल जाएगा तो मसाला अच्छे से पक गया है तो इसमें हम डाल देते हैं अब पानी आलू दोस्तों अच्छे से मसाला घुस जाए उतना पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इतने आलू हमारा अच्छे से पक जाएगा अब पानी दोस्तों अच्छे से उबाल आ गया है तो इसमें हम डाल देते हैं अब स्वाद अनुसार नमक तो पानी अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम डाल देते हैं आलू तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आलू दम बनाते हैं बहुत ही बढ़िया रहता है हरा मसाले का तो आलू को हमने डाल दिया है अब हल्के हाथ से चलाएंगे जैसे हमारा आलू टूटे ना और अच्छे से पक जाए तो मसाले में अच्छे से हमने मिला दिया है आलू को अब इसे हम ढक देते हैं तो चलिए थाली को उखाड़ कर हम देखते हैं कितना पानी कम हुआ है तो देखिए बहुत ही अच्छे से उबल रहा है दोस्तों बहुत ही टेस्टी आलू दम बनकर तैयार होता है तो आओ लोग दोस्तों हल्का सा इसमें पानी रखते हैं तो आलू दम हमारा दोस्तों बनकर तैयार हो गया है तो आज को हम निकाल देते हैं इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा पानी धुआं हो जाएगा अब हम ऊपर से डाल देते हैं हरी धनिया दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है आलू दम में इसे डालकर हम तो अब हम कढ़ाई को उतार लेते हैं तो आलू दम को दोस्तों हम कलछुल से चला देते हैं धनिया को मिला देते हैं और देखिए बहुत ही बढ़िया आलू दम हमारा बना है आप लोग पास से देख सकते हैं और नई आलू रहते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो आलू दम को हम प्लेट में परोस लेते हैं और इसमें दोस्तों हम लोग सीख से खाते हैं तो देखिए ऐसे ही सीख नीम का सीख रहता है ऐसे लगा लगा कर खाते हैं अभी ठंडा हो जाएगा तो आज हमने बनाया है आलू दम अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कर देना कमेंट करना शेयर करना मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग तब तक के लिए नमस्कार।